अब एक हिस्सा तो जिंदगी का अहम ये है कि उसकी पैदाइश, दूसरा हिस्सा उसका निकाह है, एक हिस्सा और उसकी जिंदगी का वो है उसकी वफात। नहीं इसमें आगे और रस्में इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में जरूरी आती है। बाद में फिर आप उसके अंदर छत बना दे, उसको पक्की बना दे, तो उससे फायदा मैयत को कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ बनाओ। वो मर गया एक घर का, उसके बच्चे यतीम हो गए। अब बच्चे यतीम हो गए, अब यतीम का माल खा रहे, सत्ता खैरात कौन खाएगा? गरीब खाएगा। वो सत्ता खैरात लोग अमीर अमीर खा रहे, कार लेके आ रहे सत्ता खैरात खाने के लिए, साथ में दे दो। हमारे यहाँ कन्ना ध्यान नहीं होता, निकाह मुहायदा होता है, लिखा जाता है उसको एक पेपर के ऊपर। जिंदगी सुकून हो जाएगा, ये आराम से रहेंगे, तो पलंग भी दे दो, सोफा भी दे दो, फ्रिज भी दे दो, ये सब दहेज के नाम पर आपने दे दिया कि सुकून रहेगा। ये बद्दुआएं लगेगी उनकी जो लोग दे नहीं सकते और आपको देखकर हिंजर रहे, और जिसकी वजह से वो देखकर उनके निकाह नहीं हो रहे, वो बच्चियां घर में बैठी हुई दहेज की वजह से। ये तो खुद हमको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या दीन है और क्या दीन नहीं है। जो दीन नहीं है उसको निकाल के बाहर करो।